बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम, और आज मेरी लुक से और हमारे सेट के डेकोर से आपको समझ आ ही गई होगी कि अब इस हफ्ते से हम कुछ एक्साइटिंग और मज़े का करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्साइटिंग और मज़े का रखें आपके लिए प्रोग्राम के अंदर, और इस हफ्ते हमने सोचा कि वेडिंग ट्रेंड्स को आगे लेके बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी ईद ख़त्म नहीं होती, ईद का तीसरा दिन ख़त्म नहीं होता, और ऑलरेडी आपको पता होता है कि जी चौथे दिन ईद के आपने शादी पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है। देखिए, इवेंट, शादियाँ, फंक्शंस वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में क्या है, कौन सी चीज़ें इन हैं, कौन सी चीज़ों को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कौन सी लुक बहुत ज़्यादा इन है, ये बड़ा मैटर करता है। अब लुक से मुराद सिर्फ एक लड़की का आउटफिट अब नहीं होता। एक वक्त होता था जब बच्ची, लड़की, ब्राइड की लुक जो है उसके ऊपर ही टोटल फोकस होता था, लड़के की शेरवानी, उसकी क्या लुक बनी है वो। लेकिन अब हर फंक्शन के हिसाब से एक डिफरेंट थीम होती है, डिफरेंट लुक होती है, एक इमेज होती है जो आपने लोगों को अपनी पोर्ट्रे करनी होती है। अच्छा, इमेज आपकी जो लुक है वो कौन डिज़ाइन करता है, वो कौन डिफ़ाइन करता है? अब इमेज कंसल्टेंट्स हैं जो आपको आपको बताते हैं कि क्या आप पे वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, आपकी बॉडी टाइप, लुक, कलर, ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प की जाती है। तो डिज़ाइनर तो अपनी जगह होता है, डिज़ाइनर तो आपके कपड़े डिज़ाइन करता है या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ डिज़ाइन करता है, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे कपड़ों का डिज़ाइनर हो, चाहे जूते हों, आपकी टोटल लुक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर से ले के कम्प्लीट की जाती है, और उसको हैंडल करने वाला या मैनेज करने वाला जो है वो इमेज कंसल्टेंट होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक इमेज कंसल्टेंट से भी कराएंगे, ज्वेलरी डिज़ाइनर से भी कराएंगे कि कौन सी ज्वेलरी की लुक्स इन हैं, कौन सी लुक अब आउट है, कौन सी चीज़ें वापस आ गई हैं। देन वापस आने की जब बात करते हैं तो जो ब्राइड होती है उसकी मदर के कपड़े, एक वक्त था जब माँ के कपड़े जो होते थे वो बस तय करके संभाल के रखे जाते थे, कहीं कभी किसी फंक्शन पे पहन लिए जाएंगे। लेकिन अब होता यह है कि अम्मियों के कपड़े या नानी दादी के कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं और सुच्चे चांदी के या सुच्चे गोल्ड के बने हुए होते हैं, तो जब आप ऐसे कपड़ों को देखते हैं तो अब इस किस्म का काम तो आपको पता है वैसे ही व्यूअर्स नहीं होता मार्केट में। तो ऐसे कपड़ों को अब ले के रीडिज़ाइन किया जाता है और ओल्ड और न्यू को मिक्स करके लोग अपनी वार्डरोब तैयार करते हैं। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा जिन्होंने अपनी अम्मी का पुराना जोड़ा या अम्मी का पुराना दुपट्टा या अम्मी के आउटफिट को रीवैम्प किया। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और बड़ी डूएबल होती हैं। फिर ख़ुद इंसान क्या पहने, जब आप मेहंदी के इवेंट्स या शादी या वलीमा अटेंड कर रहे होते हैं, कौन सी लुक वर्क करती है, कौन सी लुक नहीं वर्क करती, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इस पे भी बात करेंगे, ज्वेलरी पे बात करेंगे, डेकोर पे बात करेंगे कि कैसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम अपने डेकोर को और अपने जो इवेंट है उसको खूबसूरत बना सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। सो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। इमेज कंसल्टेंट की बात हो रही थी तो अब हमें ज्वाइन करेंगी समन असद, जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। आइए वेलकम करते हैं समन को। आप इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, आपने एज फैशन डिज़ाइनर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर भी बहुत काम किया है, और इसके साथ साथ एज अ प्राइवेट चैनल आपने मेकअप एंड वार्डरोब हेड के तौर पर भी काम किया है। आप काम कर रही हैं एक फाउंडेशन में एज इमेज कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है समन? शुक्र अल्लाह का। आओ आओ बैठो। तो समन, सबसे पहले तो ये बताओ कि हमने प्लान क्या किया है फॉर दिस वीक, क्योंकि आपने ही इसको हमारे कंटेंट हेड के साथ स्पेयर हेड किया, तो ये इस वीक का हमारा प्लान क्या है? इस वीक में हमने प्रॉपर शादी को लेके चल रहे हैं। आज का जो हमारा दिन है उसमें हमने थोड़ा सा मेहंदी माइयों का टच दिया है। कल हमारे यहाँ बारात है, परसों हमारे यहाँ वलीमा है, हमारे दुल्हा दुल्हन आज बन रहे हैं, दुल्हा दुल्हन माइयों और मेहंदी के हिसाब से, कल हम बारात की जो थीम चल रही है आजकल उसके हिसाब से, और परसों इंशाल्लाह वलीमा है। फिर जो फोर्थ डे है हमारा जो कि थर्सडे बनता है, पार्टी वेयर। हाँ, उसमें पार्टी वेयर ना, ये बड़ा एक मेजर चीज होती है। सारों का फोकस होता है कि दुल्हन ने क्या पहनना। एग्जैक्टली, ये भूल जाते हैं कि अगर दुल्हन ने सर्टेन चीजें पहननी है तो दुल्हन के साथ वालों ने भी तो पहननी है। वेरी ट्रू। और ये बड़ा ही बुरा लगता है, और मैंने बड़ी दफा इस पे बात भी की है शो पे कि देखो समन, दुल्हन ने अपना ब्राइडल जोड़ा पहना हुआ है तो उसके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने ब्राइडल जोड़े पहने हुए हैं, यानी कि भाभी ने भी, होने वाली भाभी ने भी अपना शादी का जोड़ा पहना हुआ है, उसकी बहनों ने भी शादियों के जोड़े पहने हुए हैं, तो दुल्हन कहीं खो ही जाती है इस हुजूम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ना एक प्रॉपर थीम के साथ चलना चाहिए। तो पार्टी वेयर भी हम दिखाएंगे और उसके बाद अबाया
भी हम लेके चलेंगे। फिफ्थ डे हमारा जो है वो अबायास का है। अब अबायास का इसलिए है क्योंकि देखिए व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी यंग लेडीज हैं जो अपना सर कवर करती हैं, जो जो एक सर्टन किस्म की वार्डरोब पहनती है। अब अगर वो अबाया पहनना चाहती हैं, हिजाब लेना चाहती हैं, तो उनका भी उतना ही राइट है तैयार होने का जितना किसी और का है। और नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि अबायाज अगर ले लिए तो फिर लड़कियां मेकअप किस तरह का करें, ज्यादा कर लेती हैं तो वो हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है, कि वो कहते हैं अबाया लिया हुआ है लेकिन मेकअप बहुत हाईलाइट है। लेकिन अब अगर दुल्हनों को भी देखें तो नो मेकअप लुक चल रही है बिल्कुल। तो जब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो उसमें हमने अबायाज के साथ खास तौर पर ये दिखाना है कि जो प्रोफेशनल खवातीन है, जो क्योंकि शादी बड़ी हो गई ना, शादी के लिए हमने लोगों को बड़ा गाइड कर दिया, अबायास में प्रोफेशनल खवातीन अबायास के साथ मेकअप को कैसे कैरी करेंगे? हाँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जनरली कुछ फैंसी अबायास दिखाएंगे, कुछ प्रोफेशनल अबायास दिखाएंगे, विद अबाया आल्सो आप एक बड़ी खूबसूरत लुक जो है। इवन कि आपने शादी पे जाना है, बहुत सारी खवातीन शादी पे भी अबायास कैरी करती हैं, तो उनके लिए फिर फैंसी अबाया के साथ मेकअप लुक क्या होगी? एग्जैक्ट, पूरा एक अटायर लुक हम दिखाएंगे उसमें। बिकॉज याद रखें व्यूअर्स, एक बात है, जब बाल खुले हुए होते हैं ना, तो उससे बहुत अगर आपका मेकअप जरा ज्यादा भी है तो वो एक तरह से कवर हो जाते हैं, वो बैलेंस में आ जाता है। बट जब बहुत ज्यादा मेकअप हो और फिर सर भी कवर्ड हो, तो वो इतना सा, क्योंकि आपका चेहरा नजर आ रहा होता है, तो वो टू मच भी लगना शुरू हो जाता है। और बाय द वे बच्चियां भी ऐसी हैं जो प्रॉपर अबाया लुक के साथ उनकी ब्राइडल लुक भी होती है, तो कोशिश करेंगे कि हर किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अबाया पे भी गाइडेंस दें, क्योंकि देखें वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। अगर आपने अबाया लेना है, आपने अपना सर कवर करना है, तो आपका राइट है कि अगर आपने खुदा ना खास्ता कहीं फौतकी पे जाना है तो तब भी आपके पास कपड़े और मुनासिब लुक होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे किसी खुशी के मौके पे जाना है, उसके लिए आपकी अपनी शादी है, अगर किसी बच्ची की अपनी शादी है और वो अबाया लेती है, तो वो क्यों ना फिर प्रॉपर तैयार हो। बिल्कुल। और बाय द वे अबायास बड़े खूबसूरत अब आ गया, जो नीचे आपने अबाया और उसके बाद आपने ऊपर से अपना बड़ी मॉडर्न लुक बन जाती है, बड़ी मॉडर्न लुक बन जाती है। तो हम डिफरेंट चीजों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे वॉक फैशन वॉक की तरफ, और एक एक करके फैशन डिजाइनर से भी मिलेंगे, मेकअप आर्टिस्ट से भी मिलेंगे, ज्वेलरी डिजाइनर से भी मिलेंगे। हमने आज जो ये डेकोर किया, अब आपने देखा होगा व्यूअर्स के सेट के हिसाब से हमने अपना डेकोर किया है। अब अगर ये एक्चुअल शादी हो रही होती, मेहंदी हो रही होती, तो आपको पता है कि बड़ी एक डिफरेंट लुक होती। लेकिन अगर आप घर के अंदर ही छोटा मेहंदी का या शादी का फंक्शन रख रहे हैं, तो व्यूअर्स अब तो आपको प्रॉपर गेंदे के फूल भी लेने की जरूरत नहीं होती। आप गेंदे के फूल की लुक वाली ये फोम टाइप की एक चीज आती है, जो खराब भी नहीं होती, बने होते ये खराब भी नहीं होती। अब यही देखे ना, अब ना कपड़े खराब हुए ना कुछ और हुआ, इतनी खूबसूरत सी लुक आ गई। आपने इसी को अगर एक पूरा हफ्ता घर में लगाया हुआ मेहंदी माइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी चिली मिली लाइट तो हर जगह मिल रहा था। मैं कहती हूँ आप लेकर रख लें, आपने इन फ्यूचर आपका कोई इवेंट आ रहा है, आप उसमें इसको फिक्स कर सकते हैं अपने साथ। एग्जैक्टली, तो ये आपने परचेस ही करके अपने पास रख ली, तो आगे जब भी कोई फंक्शंस आए, कोई गेट टुगेदर्स आया, ईद का, ईद पे हम हमेशा गेंदे के गुलाब के फूल लगा देते हैं। तो अब देखिए ना, ये इतनी प्यारी सी मटकों के साथ हमारी स्टेयर्स अगर हम दिखाएं, तो वो बड़े ही देखिए ना, अब घर में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप फोकल पॉइंट बना सकते हैं। आपने ये मटके ले लिए, ये कर लिए, जरूरी तो नहीं है ना कि लाखों का ही खर्चा करे इंसान। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आप हजारों में भी एक बड़ा क्रिएटिव। अभी देखे ना, लाइटें लगी हुई है, बड़ी एक डिसेंट सी लुक हमने सेट पे क्रिएट की, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे ना व्यूअर्स, तो ये डिसाइड हुआ कि प्रॉपर मेहंदी वाला डेकोर। तो बात ये है कि देखें, ये सेट है, प्रोफेशनल माहौल है, हर चीज को उसके हिसाब से होना चाहिए। और यही चीज हम बात करते हैं लुक्स की, अपीयरेंस की, कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, डेकोर की, हर चीज उस जगह के हिसाब से, उस सेटअप के मुताबिक होना चाहिए। और यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि अगर मेहंदी माइयों की बात हो रही है, तो उसकी मुनासिबत से किन चीज़ों को हमें फोकस रखना चाहिए। खैर, इन चीज़ों की तरफ तो हम जाएंगे, और ब्रेक के बाद तो हमारी होगी प्रॉपर फैशन वॉक मेहंदी माइयों के प्रस्पेक्टिव से। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसी पर्सनैलिटी के व्यूअर्स, जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के और हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी थे, बल्कि अगर कहूँ रिप्रेजेंटेटिव थे तो ये बात नहीं गलत होगी। बहुत से हमारे लेजेंड्स जो हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे लिविंग लेजेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं व्यूअर्स जो लेजेंड्स थे, लिविंग लेजेंड्स थे जब जिंदा थे, लेकिन इस दुनिया से रुखसत हुए, तो इतने टैलेंटेड और इतने ब्रिलियंट लोग कम ही दुनिया में आते हैं। मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ आज मोइन अख्तर साहब की। आज मोइन अख्तर साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज के आर्टिस्ट, ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, होस्ट, राइटर, सिंगर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। हर एस्पेक्ट अपने करियर का आपने बड़े खूबसूरती से, मतलब उसको
सरंजाम दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा भी गया। अगर हम बात करें आपकी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 22 अप्रैल 2011 में हुई। वैसे तो आपको हमसे रुखसत हुए 13 साल हुए हैं, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा वक्त है। और हमारे साथ वैसे तो आप हमेशा ही ज़िंदा रहेंगे, जो आपने रोज़ी का कैरेक्टर प्ले, जो आपने बहुत ही बेहतरीन रोज़ी का कैरेक्टर प्ले किया, इंतज़ार फरमाइए, हाफ प्लेट, यस सर, नो सर, मोइन अख्तर शो, रफ्ता रफ्ता, आंगन टेढ़ा, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप पैदा हुए थे 24 दिसंबर 1950 को, इस दुनिया से रुखसत हुए 22 अप्रैल 2011 को। अल्लाह पाक मोइन अख्तर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाएँ, उनको जन्नत और फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाएँ। हमारी कंडोलेंसेज आपकी फैमिली को भी और उन सब व्यूअर्स को जो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैशन शो।
जी हाँ व्यूअर्स, आपने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस देखे रबिया बुखारी के, और इनके ब्रांड का नाम भी है रबिया बुखारी। आपने इनकी वार्डरोब भी देखी पूरी, एंड जो मॉडल्स हैं उनका नाम ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे साथ हिरा है, राइफा है, हमारे साथ रीमा है, और हमारे साथ मुनज़्ज़ा है। सो ये बच्चियाँ हमारी आज मॉडल्स हैं। और व्यूअर्स, हमारी कोशिश भी यही थी कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स की यंग लेडीज़ होनी चाहिए। होता ये है कि सिर्फ हम टॉल और बहुत ही स्लिम लड़कियों के जब फैशन शोज आपको दिखाते हैं तो मसला ये होता है कि हर बंदे की बॉडी टाइप ऐसी नहीं होती। कोई बंदा स्लिम है तो उसकी इतनी हाइट नहीं है, अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो। हर बंदे की बॉडी टाइप मुख्तलिफ होती है। हम वेस्टर्न ट्रेंड्स को जब फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें पहननी होती है वो चीज़ें खुद, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सो हमने डिज़ाइनर भी ऐसी बुलाई जो हर बॉडी टाइप को केटर करती हैं। रबिया बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी मॉडल्स को भी अस्सलाम वालेकुम। सो बच्चों, आप लोग आप बैठ जाओ, आपका काम अभी के लिए डन हो गया। अच्छा, हमारे साथ व्यूअर्स मेल मॉडल्स भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर कराना चाहूँगी। हमारे साथ असद हैं, बिलाल हैं और अली हैं, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कपड़े पहने हैं, वार्डरोब पहनी है हारूनस की, और आज हारूनस के डिज़ाइनर हमारे साथ हैं अब्दुल बासित, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी जो हर किसी की फेवरेट होती है वो है अमरा वासे ज्वेलर्स की, और अमरा वासे ज्वेलर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ओनर हैं, वो हमारे साथ हैं। वासे आमिर हमारे साथ, अमीर हमारे साथ है। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वासे भाई आपके पास भी आएंगे, ज्वेलरी को भी चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम मुलाकात करेंगे किरण अंजुम से। एक्चुअली किरण ने अपना काम शुरू करना है तो सबसे पहले उनसे हेलोए करके फिर आगे बढ़ते हैं। किरण अंजुम यूके एंड इस्तांबुल से सर्टिफाइड इंटरनेशनली रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनके सैलून का नाम है किरण अंजुम सिग्नेचर सैलून। आज इनको जो हेल्प कर रही हैं, जो इनकी टेक्नीशियन है, उनका नाम है सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और मॉडल आपके साथ वैसे ही मेरी फेवरेट, मेरी लाडली राबिया चौधरी हैं, राबी के नाम से इनको सब जानते हैं इन द इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। सो पूरी फैमिली हमारे साथ है, तो आज आप लुक क्या क्रिएट करेंगे? आज हम नो मेकअप लुक करेंगे क्योंकि मेहंदी का इवेंट है इनका, दिखाना है जिसमें ये ब्राइड होंगी। और आजकल आपको पता है जो ज़्यादा बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो पसंद करती हैं नो मेकअप लुक या ग्लास मेकअप लुक। जैसे कि आपने भी नो मेकअप लुक अपनी भी की हुई, हल्की सी स्मोकी आपने बिल्कुल आई की, बिल्कुल लाइट, और वैसे आपने भी नो मेकअप लुक किया, सिर्फ लिपस्टिक आपने डाल की। इसी लिपस्टिक को अगर आप अपनी को भी म्यूट कर देंगी तो ये नो मेकअप लुक आ जाएगा। बिल्कुल, एक्चुअली व्यूअर्स इन यही है कि पूरा फेस आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऊंचा सा है, ग्लास, वो जो कोरियन एक लुक बड़ी इन है, बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में लिपस्टिक आपने किसी भी कलर की लगा ली। अब वो जमाना चला गया है कि भारी आंखें, हैवी लिप्स किए हुए, कॉन्टोर की लाइन एंज जा रही है, तो एंज जा रही है, तो नाक लैदा बनी, अब वो जमाना चला गया, व्हिच इज नाइस। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो बहुत ही अजीब लगता था। देखिए तस्वीरें अच्छी आ जाती थी लेकिन फेस टू फेस बंदा बड़ा अजीब लगता था। हर दौर में हर तरह का फैशन जो इन होता है वो अच्छा लगता है। आजकल ये इन है, ये अच्छा लग रहा है, हो सकता है उस वक्त खवातीन को वो अच्छा लगता हो। नहीं वो तो खैर आपको याद है ना, नीली आंखें और मतलब अगर ग्रीन जोड़ा पहना तो ग्रीन आंखें और ग्रीन ही लाइनर, वो बड़ा ही फनी होता था, लेकिन खैर उस वक्त वो बड़ा कूल था। तो चले आप अपना काम स्टार्ट करते, वैसे तो हमारी लड़की है ही इतनी खूबसूरत की उस पर क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चले आप अपना काम स्टार्ट कर दें। अच्छा थोड़ी सी वार्डरोब पे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रबिया, तो ये जो आप वार्डरोब लेके आई हैं, कुछ तो ब्राइड्स के लिए अपनी है और कुछ लोगों ने क्या पहनना होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके आई हैं, तो थोड़ी सी वार्डरोब के बारे में हमें बताएंगी। जिस तरह से फैमिली होती है, मदर है, सिस्टर है, फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए ही ड्रेसेस चाहिए होते हैं। उन सब के लिए कोशिश की है कि सबको कवर किया जा सके, सबको कवर किया जाए। और इस तरह से भी हो कि अगर वो कोई अपने इवेंट पे पहनना चाह रहा है ब्राइड, और वो उसके बाद अपने भाई की शादी पे भी पहन रही है, तो वो उस पे भी वो बात कर रहे उसको पहन सके। क्योंकि देखिए जो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि जब मेहंदी पे फुल ब्राइडल जोड़ा पहना होता है ना, फुल ब्राइडल, अभी जैसे कि ये वाला जो जोड़ा हमने पहनाया हुआ है राबी को, ये बहुत ही खूबसूरत है जी, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, एंड ये आगे भी पहना जा सकता है। लेकिन जब इसी आउटफिट को आप और एम्बेलिश कर देंगे, पूरी कमीज को भर देंगे, दुपट्टा भी हैवी कर देंगे, तो फिर वो आप अपने ही फंक्शन पे पहन सकते हैं, आगे नहीं पहन जी, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल।
इसी तरह ही है कि आप जैसे प्रिंटेड दुपट्टा भी है और प्लेन दुपट्टा भी है गोटे वर्क के साथ, तो आप चाहे उस इवेंट पे पहने चाहे बाद में पहने, वो हर तरह से अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो कोशिश यही होती है कि काम इस तरह के हों जो पैच वर्क है इसमें, जैसे येलो ड्रेस है इसके अंदर पैच वर्क है, उसके ऊपर लाइट सी एम्बेलिशमेंट है, और वो दुपट्टे पे भी इसी तरह से ही है, किरण लगा दी और उससे। बात पता है क्या है, कपड़े वेरिएबल होने चाहिए जी। मर्दों के फैशन में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग लेयरिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और मर्द स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस होते हैं कि हम चीज़ वो लें जो रीयूजेबल हो, हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकें इवेंट्स वगैरह पे। मैं भी, मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी कोशिश होती है ना, लेकिन मसला ये होता है कि जब लेने के लिए बंदा जाता है कस्टमर पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब अगर कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं नहीं भर दे काम से भर दे, अच्छा अब आपने लड़की के लिए भर तो दिया काम से, वो फिर आगे नहीं गई पहन सकती। आपने अब आप इनके पास बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का क्लाइंट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई अगर शेरवानी भी है तो वो फिर से रीवेयरेबल हो, कहीं ना कहीं तो पहन सके ना, वरना इतनी महंगी चीज बनवा क्यों रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम मेनली यही फोकस करते हैं जो मेहंदी के आउटफिट स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, लाइट रहें, क्योंकि फ्रीली मूव करना होता है जो ग्रूम होता है, उसने कैजुअल फंक्शन होता है तो लड़के बार बार फ्रेंड्स उठा लेते हैं डांस करने के लिए, भंगड़े के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जमीन पे कभी बैठ रहे हैं कभी ऊपर बैठ रहे हैं, तो बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत पैक्ड आउटफिट ना हो, फ्रीली मूव कर सकें, जो भी खाना वगैरह खा सकें और इजी बिल्कुल कैजुअल ही रह सकें। इसी के अकॉर्डिंगली हमने शॉल स्टाइल भी होता है कि बिल्कुल लाइट सा कुर्ता ट्राउजर सा। आप तो डिजाइनर से, जैसे आपसे ये शॉल इनके लिए ली तो फिर साथ में जो फ्रेंड्स ने पहननी है और कजन्स ने पहननी है वो भी साथ में वो फिर हम मेन फोकस ग्रूम को रख के बाकियों का थीम भी डिजाइन करते हैं। जैसे अगर ब्लू का कम्बिनेशन है, गोल्डन का है, रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन है, तो वो फिर बाकियों का उससे थोड़ा सा फर्दर लाइट रख के लेकिन टाई इन कर देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यही नहीं पता चलता कि दुल्हन कौन है दूल्हा कौन है, आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कलर्स बड़े डिफरेंट लड़कों ने भी पहनने शुरू कर दिए। नहीं बट समझ ही नहीं आती कि दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है, क्योंकि सब ने ही अपने सारे ही कपड़े पहने होते हैं फैंसी वाले। ऐसे इस पे मैं जरूर बात करना चाहूँ। अच्छा जुगन, इस पे एक और चीज भी बड़ी ट्रेंड में चल रही है, अगर तो निकाह पहले हो गया और निकाह के बाद की दुल्हन है और उसकी मेहंदी है, तो तब मैंने देखा कि लोग ज्यादा हाईली एम्बेलिश्ड कपड़े जो है ना वो उसको पहनना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर अभी निकाह नहीं हुआ हुआ है, ये एक सिचुएशन है बाय द वे जो मैं देख रही हूँ पिछले दिनों से। हाँ वैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अगर हाँ। आप निकाह अभी आपका नहीं हुआ हाँ। तो बच्चियाँ जो है वो थोड़ा लाइटर लुक के अंदर हाँ। रहेंगी, लेकिन अगर अभी रुखसती नहीं हुई हाँ। और अब वो फंक्शन होने हैं रुखसती से पहले, तो उसमें फिर वो एक मेहंदी का भी फंक्शन डाल देते हैं, तो ये बड़ी सिचुएशन हो जाती है। तो उस वक्त उनको चाहिए होता है कि हमने बहुत ही हैवी कपड़े, सोशल ट्रेडिशंस है ना, वालिद वालदा ही कह देंगे कि निकाह हुआ हुआ है तो इसका ड्रेस थोड़ा हैवी होना चाहिए, फ्रेंड्स भी सजेस्ट कर रही होती है नहीं हैवी पहन लो। बाय द वे मैं भी सजेस्ट करती हूँ एज इमेज कंसल्टेंट, निकाह हो गया है ना तो अब उसके बाद अगर आपने पहने तो थोड़ा सा हैवी कर लें। आई अंडरस्टैंड हैवी कर लें, लेकिन कभी कभी इतने हैवी हो जाते हैं कि फिर आप रीवेयर नहीं कर सकते ना। समझ, मेरा पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा रही है। बिल्कुल, वो तो कस्टमर की डिमांड है ना, कि अगर वो पहनना ही चाह रहा है, उसने माइंड बनाया हुआ होता है कि भाई मैंने ये अपने इस इवेंट को ही फोकस करना है, बाद का बाद में देखी जाएगी, तो वो बस उसके लिए बना रहे होते हैं। जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो डिजाइन करते हैं कि मल्टीपर्पस हो, बाद में भी चल सके। 5-10 दफा तो बंदा जिंदगी में पहने, इतना महंगा देखें, कितना भी सस्ता बनाने की बात करें तो हजारों में तो बात जाती ही है, और 15-20 हज़ार से कम का कोई जोड़ा नहीं बनता सस्ते से सस्ता। बिल्कुल बिल्कुल, सस्ते से सस्ता कह रहे, ठीक है ना। अब आपने अगर हैवी जोड़ा बनवा लिया तो चले 60-70 हज़ार का, लाख रुपए का भी बना लिया। मैं वैसे अभी कीमतें कम बोल रही हूँ, मैं तो डिजाइनर की दुकान में एंटर होती हूँ, मैं एंटर होकर कीमत देखते घूमाती हूँ, मैं कहती हूँ जी हमें तो उधार के मिल जाते हैं हम, ठीक है। नहीं नहीं मैं सीरियस बात कर रही हूँ, मैंने अपनी शादी पे भी, हर बंदा सोचता है कि वो मैंने कामयार रोकनी का बड़ा महंगा पहना था, मैंने कामी का सैंपल पहना था, कामी एक सैंपल डिजाइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं, मैंने अभी ये किसी ने नहीं पहना तो तुम ये सैंपल पहन लो, उसके बाद मैं उसको उस तरह से रिलीज कर दूंगा। क्या बात, तो मैंने फिर उनका सैंपल पहना, फहद हुसैन के कपड़े पहने और मैंने उसी पे मैनेज कर लिया, क्योंकि मुझे ये था कि जी अगर मैंने 6 लाख या 8 लाख या 10 लाख का जोड़ा बनवाया तो वो अलमारी में ही पड़ा रहना। बिल्कुल ऐसे ही, और इस स्टेज में जिंदगी में मैंने किसकी शादी पे इतना हैवी जोड़ा पहना। लेकिन आपको देख के कितने लोगों ने पहन लिया होगा। हाँ। हाँ।
वो और बात है, लेकिन 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 जानी बात तो यही होती है ना कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो वेयरेबल हो, बिल्कुल जो आप फिर से पहन सकें, और मर्दों में ये वाला इशू नहीं आता। अच्छा, आपको कभी औखा कस्टमर आता है कोई क्लाइंट के वो कहे कि जी मुझे ये वाली लुक चाहिए? अब आप लुक देख रहे हैं, आप बंदे को देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मैं किस तरह इसको इसके 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 अंदर डालूं, क्योंकि औरतों में ये होता है। हाँ, लेकिन हम चोली और घाघरा ले आएंगी तस्वीर, और बंदा कहेगा कि जी ये आप कैसे पहने। हाँ, लेकिन हम तो क्लाइंट को औखा नहीं कह सकते, क्लाइंट तो अच्छे ही होते हैं हमारे लिए सारे। हाँ, लेकिन ये कि मेन जो फोकस होता है ना जेंट्स में, वो यही है कि किसको क्या चीज़ सूट करती है, हम वही रेकमेंड करते हैं, और हमारे डिजाइनर्स भी अच्छा मान जाते हैं कस्टमर। मेरा सवाल ये है, क्योंकि खवातीन नहीं मारती, उन्होंने अगर फिश टेल पहनना है तो पहनना है, तो उन्होंने पहनना है। आप उठे हो जाओ, सीधे हो जाओ, रोना डाल लो, पिटना डाल लो, अगले ने वही पहनना है। खवातीन इस मामले में बड़ी वो होती है। हाँ, लेकिन जब वो रिकमेंडेशंस लेते हैं ना, पिक्स कैप्चर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सजेशंस लेंगे कि मेरा ये माइंड है, लेकिन डिजाइनर ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, फिर एक दफ़ा जब ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है ना उनका, कि हारूनस हमें अच्छा ही डिज़ाइन करके देगा जो भी देगा, वो फिर आके हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप बताएं ये इवेंट है, आप क्या रिकमेंड करते हैं। ऑसम, तो ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक आपका आउटफिट डिस्कस करते हैं, फिर एक मर्दाना आउटफिट डिस्कस करते हैं, फिर एक जनाना, फिर एक मर्दाना, थोड़ा सा हमें एक आइडिया भी, और ऑफकोर्स मेकअप पर भी नज़र डालनी है, और अभी हमने ज्वेलरी पर भी डिस्कशन करनी है। बहुत से लोग बहुत खूबसूरत कपड़े पहन लेते हैं, और उसके बाद जब ज्वेलरी की बात आती है, तो अगर आपने ओरिजिनल ज्वेलरी फॉर एग्जांपल नहीं बनवानी है, आप नहीं अफोर्ड करते, तो अब आर्टिफिशियल में इतने अमेजिंग ऑप्शंस आ गए हैं कि आप जेन्युइनली, मतलब सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ। अब ये सारे के सारे रियल गोल्ड तो नहीं है? हाँ जी, कोई भी रियल गोल्ड नहीं है इसमें, सारा आर्टिफिशियल है, सारा आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल भी अब व्यूअर्स इतना अच्छा आ गया कि जरूरी नहीं है कि आप, कुछ मार्केट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे कराची में, लाहौर में दुकानें होती हैं जिधर आप अंदर चले जाते हैं, अब मैं मार्केट्स का नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे आपको रेडीमेड इस तरह सेट मिल जाते हैं, बंदा उठा के ले आता है। फिर शादी के अब ओरिजिनल जब फंक्शन हो रहा होता है, उसके दौरान चीज़ें टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, मैच नहीं करता, या उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, बात यह है कि इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर आप डिज़ाइनर या प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के ज्वेलर के पास जाएंगे, तो आपको बड़ी अच्छी चीज़ मिलेगी जो बड़े सालों तक चलेगी, उस पे भी डिस्कशन करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेहंदी की थीम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम आ गए हैं वासे अमीर के पास। जी वासे, सबसे पहले तो मैं ज्वेलरी की बात करना चाहूँगी। दूर से या करीब आके भी देखें तो एक्चुअली लगता है कि ओरिजिनल ज्वेलरी, आई मीन जैसे कि ये पेंडेंट अगर आप देखें तो व्यूअर्स, कौन कह सकता है कि असल नहीं है? हाँ जी, एक्चुअली मैं हैरान होती हूँ आपके, जब आप अभी अंदर आई थिंक शायद कुछ काम करने के लिए गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे आके ना खड़े होकर देख रही थी चीज़ों को। देखिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो वेयरेबल हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता, और एट द सेम टाइम नकली नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही चीज़ नकली लगती है तो आपको पता है लोगों की चाम ख़त्म हो जाती है। असल पहने या ना पहने, लगना ऐसे चाहिए कि असल पहना हुआ है। मैंने ना पाकिस्तान में अब काम शुरू किया, पहले मेरा ना एक्सपोर्ट का काम है। हाँ जी, यूके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, यूएसए जा रहा है, पाकिस्तान में रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया काम। अच्छा अच्छा, तो आप बाहर भेजते? बाहर भेजता हूँ, क्योंकि देखो ना, बाहर बच्चियाँ कितनी को महंगी आप ज्वेलरी बनवा लो, आप पहन नहीं सकते। हाँ जी, आपकी बाहर तो शादियों के भी को भी अगर आप अटेंड करो तो इतने बड़े बड़े असल ज्वेलरी कोई नहीं पहनता, सब ने पाकिस्तान में ही लॉकरों में रखी हुई है ज्वेलरी। हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन आप इधर देखेंगे ना, कैजुअल वेयर से लेकर आपको ब्राइडल तक मिलेगी ज्वेलरी हमारे पास रेंज। ये देखिए, ये ना एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, अच्छा, और मतलब आपने थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में भी रखा है, ईस्टर्न स्टाइल में? हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिस तरह की ज्वेलरी कहें
जिस तरह की ज्वेलरी कहेंगे वो हमारे पास तैयार हो जाएगी। आपने एक बात की थी कि ब्राइडल ड्रेस पहन लेती हैं 1.5-2 लाख का, ज्वेलरी के बारे आके ये कहेंगे 5-10 हज़ार हमारी रेंज है। तो इधर पाकिस्तान में ये ट्रेंड मैंने 90% देखा है। ये बिल्कुल बात आपने परफेक्ट की कि भाई जूते भी मुझे मजे की बात ये लगती है कि जूते भी 8-9 हज़ार के ले लेंगे, 10 हज़ार के जाके महंगी जगह से जूते ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उन महंगे जूतों के साथ जब ज्वेलरी आपने 3,000 या 5,000 की उस तरह की पहनी होती है तो साफ नजर आता है। और नजर भी तो देखे ना, तस्वीर तो इतनी होती है, फुल लुक तो होती है लेकिन सारी तस्वीरें मेन इतनी होती हैं। अब उसमें अगर आपकी ज्वेलरी और मेकअप ही ठीक नहीं होगा तो कपड़े आप कितने भी खूबसूरत पहन लें। हाँ जी जी। और हमारे ज़ेहन बने हुए हैं कि आर्टिफिशियल की ना रिपेयरिंग नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, असल में गोल्ड की हम करते हैं केयर, आर्टिफिशियल की हम करते हैं केयर नहीं है। अब लेडीज जो है ना ज्वेलरी आर्टिफिशियल पहन कर घर के काम कर लेती हैं, गोल्ड की पहन के कभी करेंगी नहीं, तो ये डस्टी ज़्यादा जल्दी हो जाती है इस वजह से, वरना इसका लाइफ टाइम भी गोल्ड के मुताबिक है और इसकी रिपेयरिंग वगैरह हर चीज़ है क्योंकि ये बड़े ही खूबसूरत। एंड बाय द वे व्यूअर्स, लाइट वेट। अब अगर आपने ये डे टू डे वेयर में भी पहनना है, ये भी आप उतार देते हैं इसका सहारा, तो ये डे टू डे वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी चीज है। ये कैजुअल वेयर है, कैजुअल वेयर भी है, आपने विद वो सहारा पहन लिया तो वो नॉर्मल हो गया। सो मतलब ऑप्शंस एंड वेरिएशंस काफी हैं, चाहे आप फुल ब्राइडल सेट की बात करें। अब ये देखें ना, अब ये अगर आप जाके असल सोने का बनवाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं हम, झूमर, कुंदन। हाँ जी, कुंदन स्टाइल है, मतलब झूमर है ना, आप कुंदन स्टाइल का झूमर है। हाँ, ये आप जाए ना खरीदे मार्केट में, असल बंदे की कमर टूट जाती है। अच्छा, हाँ, मजे की बात ये है कि कुंदन और पोलकी वैसे ही प्योर गोल्ड नहीं होता। हाँ जी, और प्योर डायमंड नहीं होता। पोलकी भी आपको पता है वो नकली, वो बुरी क्वालिटी का डायमंड या रॉ डायमंड जिसे कहते हैं, तो उसकी जब कोई रीसेल है ही नहीं, तो जितनी एक्साइटमेंट में आप जाके असल पोलकी या असल कुंदन का ले लेते हैं, हजार गुना बेहतर ही होता है कि पोंदन कुंदन एंड पोलकी इस स्टाइल में लेने। जो आपने प्योर सोने का सेट बनवाना है, बेशक आपको सोने का, ताकि बच्चियों के पास जैसे ऐसे होता है, अगर आपने सोने का सेट बनाना है, थोड़े से उसके अंदर स्टोन डालने चले, आप प्योर गोल्ड का एक बना ले सेट। आप गोल्ड का भी हमें डिजाइन देंगे ना, वो भी कॉपी हो जाएगा। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, देखिए बच्चियों के पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने चीजें बनवानी है, कुंदन एंड पोलकी की आप आर्टिफिशियल में बना लें। हाँ जी, सोना जो आपने बच्ची को देना है वो आप एक प्योर गोल्ड का सेट बना के दे दें, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो। हाँ जी, मिक्सिंग ये नहीं हो। हाँ जी, जैसे कि ये रिंग स्टोन्स भी नहीं होगा, स्टोन्स भी नहीं हो, वो आपने प्योर गोल्ड का बनवा लिया। हाँ जी, हाँ जी। बाकी आपने अपनी सारी चीजें जो है स्टोन वर्क आर्टिफिशियल में हो जाए, जिसमें स्टोन्स लगे, क्योंकि देखे ना आप, तो डायमंड्स भी आपको नहीं पता कि असल है कि नकल है। मजे की बात तो ये है, अब ऐसे डायमंड आए हुए हैं जिसको मशीन कह देती है कि डायमंड है, लेकिन डायमंड नहीं होता। हाँ जी, मशीन आपको कह रही है डायमंड है। सोना ही है ना वाहिद चीज जिसकी हर बंदे को टेंशन होती है, या चांदी। आप ये भी कर सकते हैं कि यही चीज आप प्योर चांदी में बनवा ले। हाँ जी। और उसके ऊपर आप वो पानी चढ़वा ले, पानी चढ़वा ले, और वो भी आप लोग करते हैं। हाँ जी, हम गोल्ड का भी ऑर्डर आ जाए वो भी करते हैं, गोल्ड हो जाए, डायमंड हो जाए, कुछ भी हो जाए। सो वही बात है ना कि व्यूअर्स जाके देखें जरूर। हमें क्या होता है कि हम डिजाइनर्स और इन चीजों की बड़ी खोज करते हैं, ज्वेलरी की नहीं करते, जबकि ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा पहनी जाती है। सो वार्डरोब इंपॉर्टेंट है, जूते इंपॉर्टेंट है, एक्सेसरीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट ज्वेलरी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, लेकिन इधर नहीं सोचते लोग, इधर नहीं सोचते लोग, और हमें तो होता है कि 10 रुपए की, हमें 10 रुपए की चीज भी 1 रुपए में मिल जाए। तो देखिए 10 रुपए की जो चीज बननी है वो 10 रुपए की बननी है। वो अब आप किसी भी तरह जुगाड़ लगा के 100 या 2 रुपए में बना तो लेंगे, लेकिन ना उसकी क्वालिटी होगी और ना इसका रिजल्ट होगा। चलिए अब हम मॉडल्स की तरफ पढ़ते हैं और अपने डिजाइनर्स की तरफ। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आ जाएं, और हीरा आइए, जरा थोड़े से हम कपड़ों को भी डिस्कस करते हैं। ये बेटे यहाँ पे सीधे होकर खड़े हो जाओ बस। हाँ जी, अब इस आउटफिट के बारे में हमें बताएं। ये जैसे फ्रेंड हो या सिस्टर है या ब्राइड भी इवन पहन सकती है अपने एक छोटे इवेंट के लिए। और चटापटी इसमें दुपट्टा में यूज़ किया हुआ, मेन फोकस इसके दुपट्टे पे है, क्योंकि ऐसे लो बेटी इसको ज़रा घुमाते हैं, ज़रा ऐसे करके दिखाते हैं व्यूअर्स। हाँ, ये देखें ना, मेन सारा फोकस दुपट्टे पे रखा हुआ है, और शर्ट फ्रॉक पे उतना नहीं वो है। और बात ये है कि आप देखें ना, ये फ्रॉक के साथ अगर एक प्लेन टिश्यू का दुपट्टा आप ले लेते हैं तो ये पूरा एक आउटफिट बन जाता है। और इस दुपट्टे के साथ आप प्लेन पिंक में जी थोड़ी सी गोल्ड किनारी के साथ एक शर्ट बना ले तो आपके दो आउटफिट तो निकल ही गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से कि आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं। जो ये हो के जी अब आपने ये एक इवेंट पे पहन लिया और अब रहा नहीं,
वो ऐसा नहीं है बिल्कुल इस भी ड्रेस में। अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा। अब राइफा आप यहाँ पे आ जाएं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अब्दुल बासित के आप भी आ जाएं। अब हम असद को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आ जाएं। चलिए जी, असद की लुक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जैसे, अच्छा बाय द वे बेटा मैं ये देख रहा हूँ, सेकंड हाँ ये देखे ना, ये बड़ा खूबसूरत है ये जो आपने टेक्सचर्ड 3D लुक दी है। जी बिल्कुल, हमने जो ये जेहन में रख के भी जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इवेंट्स बहुत बड़े नहीं होते, मेहंदी की गैदरिंग होती है, कुछ कम गैदरिंग भी होती है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजाइन है। इधर आती हूं एक सेकंड, मैं एक जरा मजे की एक चीज वैसे ही आपको दिखाना चाहती हूं व्यूअर्स कि अगर मेल और फीमेल डिजाइनर की साथ में कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों की। शॉल का पर्पस ये होता है कि ब्राइडल ड्रेस के साथ उसकी ना हम और इसी आउटफिट के साथ एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपने ज्वेलरी वाइज ये वाले इयररिंग्स पहनने हैं तो वो बिल्कुल फिर परफेक्ट दूल्हा दुल्हन परफेक्टली इनसे, मतलब ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट में हमने ज्वेलरी बनाई है अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा है कि एक बहुत बड़ा हमने उस तरह से फंक्शन नहीं दिखाया, बट अगर आपके पास इस तरह का कुछ छोटा सेट भी है तो आप ये वाला लगा के साथ इयररिंग्स और टीका ये वाली भी लुक को एनहांस कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग, बट मजे का लगता है जब ब्राइड और ग्रूम आपस में कोलैबोरेटेड हो। बिल्कुल ऐसे ही, और मेमोरेबल पिक्स आती हैं, कैप्चर होते हैं मोमेंट्स और फिर वो बाद में वो रहते हैं। अच्छा, और ये आपने व्हाइट आउटफिट, अब देखे ना ये विदाउट भी पहना जा सकता है, विद भी पहना जा सकता है। बिल्कुल, ये ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइन है आजकल, इस तरह से ये बटन्स लूप्स वाले और हैंड मोटिव्स उसके ऊपर हैं, फिर मोटिव के अकॉर्डेंस में ही हमने फुटवेयर भी रखा है ताकि वो कॉम्प्लीमेंट भी करे एक अपने आउटफिट को भी और इजीली मूव भी कर सकें, और जो बहुत बड़े गेट टुगेदर्स नहीं होते मेहंदी के घरों में या थोड़े से 50-100 लोग, तो उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच बेटा आप पे। अच्छा ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम फीमेल मॉडल की तरफ आते हैं, आप अपने मेल मॉडल को रेडी कर लें। हाँ जी, सो इनकी लुक, अच्छा ये टिपिकल माइयों टाइप लुक है। हाँ ये माइयों टाइप लुक है और माइयों लुक है और इसके अंदर पैच वर्क किया है। पैच वर्क ये है कि आप जैसे आप कोई अम्मा का जोड़ा है, कोई आपका अपना जोड़ा है, जिस जो कि उसमें से भी आप अपना काम या उसका कोई मोटिव निकाल के करके उसको आप लगा सकते हैं, पैच करवा के और उसके ऊपर लाइट एम्बेलिशमेंट करवा के, और वो एक अच्छी लुक में वो उसको रेडी कर सकते और हैं। देखो माइयों मेहंदी वगैरह में तो वो गोटे का काम ना हो, कहीं ना कहीं गोटा ना हो तो मजा नहीं आता। वो बिल्कुल उसके उस, अब देखिए ना अगेन ये गोल्डन कंप्लीट आउटफिट भी हो सकता है, दुपट्टे को आप अलहदा से भी कुछ बना सकते हैं, इसके साथ आपने सिंपल दुपट्टे आप बाद में सब डिजाइन के जो दुपट्टे हैं सूटों के वो आप बाद में किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ। सिंपल ड्रेस बना लें और उसके साथ ये दुपट्टा, क्योंकि होता ये है कि जब आप कपड़े वगैरह व्यूअर्स बना रहे होते हैं बच्चियों के, तो याद रखा करें कि अगर आपने ये एक आउटफिट बना लिया माइयों पे पहनने के लिए, तो साथ में कमीज सलवार एक प्लेन दुपट्टे के साथ आपने हर सूट के साथ बना ली, तो उसी के चार आउटफिट निकल आते हैं जो अलहदा से इतने कपड़े बनाते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट लुक की तरफ हम बढ़ते हैं, अब मेल की, आप अपनी फीमेल मॉडल को बुला लें। हाँ जी आ जाइए बेटा, बिलाल जी। ना जी, तो ये हैं बिलाल, तो बिलाल के आउटफिट के बारे में बात करते हैं। इनका ये जो आउटफिट पहना है, अच्छा ये जूते बड़े हैं बहुत ज्यादा, ये जूते बड़े हैं काम वाले जो जूते हैं। हाँ ये इनका जो आउटफिट कंप्लीट है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडी आउटफिट है आजकल, ओपन स्टाइल ये गाउन आ जाता है और अगेन कुर्ते का स्टाइल वही है जो आपने पहले देखा है, लेकिन ये है कि अगर आपकी गैदरिंग बड़ी और स्पेसिफिकली जैसे डिस्कस कर रहे थे कि निकाह पहले हो जाता है और फिर एक थोड़े से हैवी डिज़ाइंस और इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट आउटफिट है, जिसमें सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड हमने कोट का फैब्रिक यूज़ किया है और प्योर रॉ सिल्क कुर्ता ट्राउज़र का फैब्रिक है, अगेन हैंड मोटिव्स और शूज़ आपके। बिल्कुल सही, ऑसम। ऐसा करते हैं कि बाकी मेल लुक और फीमेल लुक की तरफ हम ब्रेक के बाद जाएंगे, कुछ गाने की तरफ बढ़ते हैं। मेरा बेटा आप बैठ जाओ, अभी हम वापस आते हैं टूवर्ड्स द डिज़ाइंस ऑल्सो। मैंने कहा हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी हैं, तो ऐश रोहान हमारे साथ है जो एक सिंगर भी हैं और रैपर भी हैं, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और आज सिंगर और रैपर से ज़्यादा मॉडल लग रही हैं, लेकिन चले उनको बुलाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी यार, वेलकम बैक द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट है समन असद, देन वी हैव विद अस रबिया बुखारी, वी ऑल्सो हैव विद अस अब्दुल बासित, देन किरण अंजुमी हमारे साथ है, हमारे साथ बासी अमीर भी हैं, एंड ऐश रोहन, रोहन या रोहान, ऐश रोहान,
रोहान, ऐश रोहान, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम. एंड बाय द वे, नन्नी सी जान हो और रैपिंग में आ गई हो, ये इस पे भी मैं सोच रही थी कि यूजुअली व्हेन यू थिंक ऑफ अ रैपर यू थिंक ऑफ समवन बिगर, नॉट समवन सो बड़ी. तो रैपिंग की तरफ आई कैसे, इस पे मैंने जरूर बात करनी है, लेकिन उससे पहले आई वांट टू गो एंड डिसाइड के जी ब्राइडल हम लुक फाइनली डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज्वेलरी क्या होगी? ग्रीन मेरे ख्याल से आउटफिट है, तो ये दो ग्रीन चेक करेंगे. ये दो ग्रीन है सबसे लास्ट, बट आई थिंक ग्रीन वाला कर लेते हैं जिसमें प्योर ग्रीन है, ताकि उसमें हाईलाइट हो जाएगा. हाँ जी, अच्छा रहेगा. तो ये वाला जो हम ज्वेलरी का सेट है ये पहनाने लगे हैं अपनी ब्राइड को, ठीक है ना? सो ब्राइड को हम जो ब्राइडल लुक हम फाइनल करें, ये देखिए. सो ये वाला सेट अब हम पहनाएंगे. अब कोई नहीं कह सकता कि ये ओरिजिनल नहीं है. बिल्कुल, सबसे मजे की बात तो ये, ये लो बेटे ये आपका सेट आ गया, ताकि आप उनको सेट भी पहना दें साथ में, गले का इयररिंग्स वगैरह सारी चीज़ें. अच्छा, जहाँ पे ये बात हो रही है वहाँ पे मैं एक दफ़ा आउटफिट्स को भी फाइनली जो रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. आ जाओ बेटा, ज़रा आपके आउटफिट को डिस्कस कर लें. हाँ जी. अच्छा, ज्वेलरी भी बड़े मज़े की एक ट्रेडिशनल लुक के साथ आपने पहनाई है, वेरी नाइस. हाँ जी. अच्छा, अब ये फ्रॉक है और इसके जो है ऊपर मशीन एम्ब्रॉयडरी उसके साथ एम्बेलिशमेंट है. दुपट्टा हमने प्रिंटेड रखा है, ऑर्गेन्जा के प्रिंटेड दुपट्टे आजकल बहुत इन है. तो और उसके साथ किरण है लगी हुई, इसको भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं. सिंपल दुपट्टा कर लें ऑरेंज कलर का और इसके साथ एक प्लेन जोड़ा बना लें. अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऑर्गेन्जा एज अ मटीरियल बहुत ज़्यादा फूलता है. तो जब भी आप लोग अपने आउटफिट्स बनवाने के लिए जाएं, आजकल बहुत लोग डिमांड करते हैं कि जी हमें ऑर्गेन्जा भी चाहिए. बट याद रखिएगा कि बाद में फिर बनाने के बाद अगर आप डिज़ाइनर को कहेंगे कि जी ये बहुत फूल रहा है, अगर तो जिस तरह हमारी ये बच्ची बारीक सी है, ये अगर ऑर्गेन्जा पहनती है तो वो इतनी ज़्यादा वो बल्की लुक नहीं आती. लेकिन अगर जैसे कि इवन मेरे जैसा बंदा अगर पहनेगा इस तरह ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, तो थोड़ी बल्की लुक आती है. तो बंदे के जिस्म के हिसाब से एक चीज होनी चाहिए. और आपकी देखो कैरी भी कर सकते हो कि नहीं. ये बिल्कुल ये इसका यही है. और ऑर्गेन्जा को आप इसको बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट्स नहीं उसको वो करें ना कि वो ज्यादा हैवी हो जाए, तो आप उसको इस किस्म की भी लुक हो सकती है. अब ये देखें ना, ये नॉर्मल भी आप पहन सकते हो, अदरवाइज भी पहन सकते हो. ये एक बड़ा इसके एक प्लस पॉइंट है. और इस किस्म की फ्रॉक तो वैसे ही आपको पता है, चार पांच कली आठ कली कुर्ते जो होते हैं, या तो उसका बेनिफिट ये होता है कि बड़ी फ्लैटरिंग लुक देता है और हाइट भी आपकी लंबी रहती है. थैंक यू सो मच बेटा. जी, दो ग्रीन्स है बैक टू बैक, मैंने कहा उन पे डिस्कशन करके देन वी विल कम टू द लास्ट आउटफिट जो आपका है. हाँ जी, इसमें भी दुपट्टा जो है वो नेट में है, डिफरेंट कलर्स के साथ उसको वो किया हुआ है, वेरी प्रिटी. और गोटी वर्क है, मिरर वर्क है, और वो अब देखिए लहंगा और चोली है. लहंगा और चोली है. और बात यह कि इस किस्म की चीज़ ज़रा अफोर्डेबल प्राइस में बन भी जाती है, राइट? अगर आप मतलब इसको बना लें तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा. और इस किस्म की जो लुक होती है वो एक क्लासिक लुक है. बिल्कुल, वो अगले 20 साल बाद भी आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ये ऑल टाइम ट्रेंडिंग गोटा वर्क. और देखें ना, बड़ी क्लासिक सी ज्वेलरी भी साथ बना दी है, बड़ी क्लासिक, बड़ी एलिगेंट सी, अगेन लॉन्ग टर्म चलने वाली, दैट यू कैन वेयर अगेन एंड अगेन. ज्वेलरी भी अब अगर आप देखें ना, जैसे कि इस किस्म के इयररिंग्स हैं, ये इयररिंग्स आप नॉर्मली डिनर्स पे, गेट टुगेदर्स पे भी पहन सकते हैं. इतना को है कि ये आप किसी की शादी के फंक्शन पे भी अगर इतनी ज्वेलरी पहन के चले जाएं तो टू मच नहीं लगेगा. बहुत अच्छी, वो पूरा सेट जब पहन लेते हैं तो तब मजा आता है. थैंक यू सो मच. फाइनली हमारे एक मेल मॉडल भी रह गए थे, उन्होंने तो आज वो टिपिकल वो जो है ना, वो जो खुद से पॉइंटेड वाले होते हैं वो बैठे हुए. अच्छा, आपके जो है जगह जहाँ पे आप काम करते हैं रोज, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं? हमारे पास कंप्लीट मेंस की जो रेंज है, इवेंट वेयर भी, और जूते भी हैं, कपड़े भी हैं, शूज भी हैं, एक्सेसरीज भी हैं, कुल्ला शुल्ला. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें. आई मीन वॉलेट शॉलेट टाइप चीजें नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि जो एक पूरी लुक है वो भी है. लेकिन ठीक है, तो इस लुक पे बात. अच्छा, ब्लैक जो है, जैसे इनका कुर्ता ट्राउजर का कलर है, ये तो ऑलवेज मेंस की फेवरेट ऑप्शन होती है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 या 4 डेज का फंक्शन है तो 1 या 2 दिन वो ब्लैक ना करें. तो ये इनका ब्लैक कुर्ता ट्राउजर, ब्लैक एक जमाने में पहनते थे तो घर वाले नाराज हो जाते थे कि काला तो बड़ा मनहूस कलर है, तो काला रंग क्यों पहने. अब हर बंदा सिर्फ शादियों पर काला ही पहनना चाहता है और लाल लिपस्टिक. मैं तो बेहोश ही हो गई. मैंने कहा मतलब पूरा आउटफिट सर से पांव तक उसका ब्लैक था, बड़ा खूबसूरत था. उसके ऊपर ब्लैक्स और ऑफ सी क्रिस्टल्स थे और वो बड़ा खूबसूरत था.
लेकिन वो पूरा काला था और सारे जो है वो बैठ के देख रहे थे कि ये क्या, ये दुल्हन कहना क्या चाह रही है। कल्चर से हट के कलर एक आपने, लेकिन लड़के अभी भी काले पहन लेते हैं, हम लोगों को फिर भी बातें सुननी पड़ती है। और फर्दर ये जो वेस्ट कोट पहनी है ये स्पेसिफिकली हारूनस ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में फैब्रिक लॉन्च किया है। ये एक होता है जामावार ट्रेडिशनल, आपने देखी होगी, ये 3D एम्बोस्ड फैब्रिक है। ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। और प्लस बटन्स की लुक भी सेम जो कि कॉम्प्लीमेंट करे ड्रेस को। और खुस्सा अभी इनको पहनाने का मकसद ये था कि अगर मेहंदी का इवेंट डिस्कस हो रहा है और उसमें ट्रेडिशनल खुस्सा ना डिस्कस हो तो वो एक और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में है और जो सेंटर में है ये तो ऑलवेज फेवरेट रावरी चप्पल जिसको हम कहते हैं। सो पॉइंट ये कि शूज़ में भी एक वेरिएशन है। मैं मर्द भी जब अपने लिए जाते हैं चीज़ें लेने के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जी जिस तरह की रावरी चप्पल काली और ब्राउन हर बंदे के पास होनी चाहिए। ऑनेस्टली शलवार कमीज़ के साथ सबसे अच्छी लगती है, मेल कोल्हापुरी चप्पल बड़ी खूबसूरत लगती है, वो भी काली ब्राउन बेज कलर में होनी चाहिए एंड ब्लैक एंड ब्राउन शूज़ तो वैसे ही बंद होने चाहिए। ये चार छः चीज़ें आप अपने पास रख लें वो हर कॉम्बिनेशन में वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसे। मैं तो लोगों को जीन्स के साथ भी पहनते हुए देखा है इसके साथ। जी जी बिल्कुल, मिक्स एंड मैच करना होता है ना कि एक नया आउटफिट क्रिएट हो जाता है सिर्फ चीजों की वेरिएशन से। तीनों मर्द जो खड़े हुए हैं तीनों की लुक भी डिफरेंट है, उनके शूज मतलब ऑल टुगेदर टोटल उनकी लुक्स जो है ना उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफाइन की गई है। आइए, थैंक यू सो मच बॉयज, यू लुक ग्रेट एंड द गर्ल्स आल्सो माशाल्लाह लुक लवली। अच्छा मेकअप के क्या हालात है, हाजरा जा रहे हैं मैम, थोड़ी सी आप हमें अपडेट करें। हां 10 minutes और। हाँ जी, तो क्या अभी तक जो की है थोड़ा उसको डिस्क्राइब करेंगे? हाँ जी, हमने इनका आई मेकअप कर लिया है, बेस इनका कंप्लीट है, बेक हो गया है और अब इनका लास्ट में अब ये चलना है इनका लिपस्टिक का करेंगे ज्वेलरी पहनाने के बाद, फिर फाइनल जो लास्ट में हम देंगे वो हम इनको आई मेकअप जो है वो कंप्लीट करेंगे, इसमें लैशेज होंगी और जो आईज के नीचे वाला मेकअप है। ठीक है, और मैंने नोटिस किया कि आपने इनकी बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टोरिंग शॉन्टोरिंग नहीं की, आपने बड़ा लाइट रखा है सारे को। ऑब्जेक्टिव यही है ना, देखिए नो मेकअप लुक से मुराद ये है कि आपकी लाइनें नहीं नज़र आनी चाहिए। नो मेकअप में आप आईज को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमने आंखें बनाई हैं प्रॉपर, पहले हमने सोचा था कि प्योर नो मेकअप पे लाएंगे बट क्योंकि टॉप का कलर इतना मज़े का है कि उसको कंबाइन किया है ताकि आईज के ऊपर एक बड़े मज़े की लुक आ जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा तो मतलब लगे ना कि आप गेस्ट नहीं हैं ब्राइड हैं, थोड़ा सा दिया है कलर, लेकिन ये होता है कि जब आप ब्राइड को रेडी करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद जो मेकअप है वो स्किन के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज जो होता है, बिल्कुल हो जाता है। उससे ये होता है कि स्किन के अंदर जो मेकअप जाएगा और उसके साथ वो स्किन और मेकअप जो है वो दोनों यकजा होंगे तो उससे आपकी स्किन का कलर और ये अच्छा कलर निकलेगा। ये आर्टिफिशियल ऊपर जिस तरह आप ये देखें बेस आपको लग रही है इस वक्त तो थोड़ी सी फील हो रही है, कुछ घंटों के बाद ये भी फील नहीं होगी और ये सेटल हो जाएगा, बिल्कुल सेटल हो जाएगा। इसलिए मेकअप जो है वो 2-3 घंटे पहले अपने फोटोशूट से करवाना चाहिए और थोड़ा सा इनके शूट से पहले किए, इनका जो लुक आएगा ना आई मेकअप का वो नो मेकअप लुक ही आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अच्छा ये वाली भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते हैं। देखिए हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, अब हम पांच बैठे, अगर हम चार औरतों को देखें तो हम चार से भी दो तो बिल्कुल ही छोटी सी लिटिल औरत हमारी जो है बच्ची, तो बट बात यह कि सबका मेकअप मुख्तलिफ है, बिल्कुल ऐसे ही उनके चेहरे उनके हिसाब से आपके अपने स्टाइल के हिसाब से। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स कि चीज़ों को अपने स्टाइल के हिसाब से लेके चलना चाहिए, दूसरों के रंग में नहीं ढलना चाहिए। अच्छा एज डिज़ाइनर्स मैं आप दोनों से ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बहुत लोगों को शौक होता है दूसरों की तरह लगने का, अपनी ही लुक को नहीं लोग करवाते। लेकिन आप दूसरे की लुक कैरी नहीं की जाती ना लोगों से, असल तो चीज़ होती है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। तो जब आप अपने लिए चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं उसे आप कैरी भी वैसे करते हैं और उसमें आपका स्टाइल अच्छा नज़र आता है, जबकि आप दूसरे को जब कॉपी कर रहे होते हैं वो आप कॉपी कर लेते हैं आप उसका स्टाइल नहीं लेके आ सकते, बिल्कुल वो फिर वहाँ आपके मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। एक ज़माना था जब मैं साड़ियाँ बहुत पहनती थी और मैं बड़ी शौक से पहनती थी, फिर आई रिमेम्बर किसी ने एक दफ़ा मेरे सामने 2-3 दफ़ा किसी ये लोगों ने कही कि यार गिट्ठी लड़कियां या जिनकी हाइट शॉर्ट होती है ना उन पर साड़ियाँ नहीं अच्छी लगती। लो जी मेरे दिमाग में ऐसी ये बात बैठ गई कि मैंने साड़ियाँ ही पहननी छोड़ दी, बिल्कुल गलत। और फिर जब मैं साड़ियाँ पहनती भी हूँ तो कॉन्स्टेंटली मैं कॉन्शियस हुई भी होती हूँ। सो इस चीज़ पर भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स के, देखें
ऐसे कमेंट्स ना पास किया करें, कमेंट्स भी ना पास किया करें। अब ऐश को देखें, ऐश की बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं है, साड़ी पहनी है और शूज भी साथ खुद से उसने पहने हैं अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, और कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा एक चीज नोटिस करने वाली है, इस वक्त ऐश का जो ड्रेस है ना, चले उसकी हाइट अगर आप कह रहे हो कि वो थोड़ी मीडियम है, तो उसकी स्मार्टनेस यहाँ पे आती है, उसने ऊपर से लेके नीचे तक यानी ब्लाउज से लेके साड़ी तक सेम कलर रखा है। बिल्कुल, आई ट्रेवल दिस वे टू दिस वे, ठीक है नीचे जाती तो है। आपने जब एक ही कलर में पूरा पहना ना तो आप टॉल लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ गए, ब्लाउज का कलर और है, साड़ी का और है, तो आप वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें टॉल बंदा भी जो है ना वो शॉर्ट हाइटेड लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। हाँ मैडम, अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगी, प्लीज। मैं हील्स भी लेके आई थी लेकिन मैंने हील्स नहीं पहनी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि साड़ी में अगर आपका पल्लू जितना ज्यादा फैला हुआ लगेगा ना, आप उतने उसमें अच्छे लगते हो, तो फिर मैंने खुद से पहने इसके नीचे। मैंने ना वही वाली बात है कि शी नोज हर बॉडी टाइप एंड शी नोज कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है। उसको पता था बच्ची को कि मैंने आना है, मैंने गाना गाना है, मैंने घूमना फिरना है। बिल्कुल, इस मामले में आजकल की जनरेशन से मैं बड़ी खुश हूँ। वैसे एक बात है, आप पे क्या गुजरती है जब आपकी शेरवानी के नीचे कोई जॉगर पहन लेता है? मुझे एकदम से ख्याल आया कि खवातीन ने तो कबूल कर ली है, हमने तो कबूल कर लिया, हमने तो जॉगर भी बनवाने शुरू कर लिए, हाइट वाले जिनके ऊपर आप गोटा पट्टी लगा देते हैं तो वो फिर भी बच बचा हो जाता है। बंदे तो नॉर्मल जॉगर पहन के आजकल शादियां अटेंड कर रहे हो, भाई को कुछ तो समझाओ। नहीं वो हम बकायदे इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले, इसके साथ गाइड भी करते हैं कि आपने इस तरह से नहीं करना, हमारे ब्रांड का नाम खराब होता है। मुझे लगता है कि दूल्हा दुल्हन जो है निकाह हो के ना उन्होंने भाग के घर जाने, भाग जाने, निकाह डन हुआ और जॉगरों में नस पड़े। मुझे जॉगर की कसमें यार, बचपन में इतनी डांट पिटती थी कि जीन्स के नीचे अगर जॉगर पहन लिए या अगर आपने शलवार कमीज पहनी नीचे जॉगर पहन लिए तो थप्पड़े पड़ते थे घर वालों से कि चेंज करो जूते, ये क्या तरीका है किसी कहीं जाने का, किसी को मिलने का, आप तो लोग शादियों पैसे जा रहे हैं, आप भी मेरा दिल चाहता है अम्मी के सामने जाकर कहने का हूं बोलो, सारा बचपन चिपेड़े मां मार मार के मुंह लाल कर दिया कि जॉगर नहीं पहनने कपड़ों के साथ, जॉगर से ज्यादा कोई आला चीज ही नहीं रही। लहंगे के साथ जॉगर स्नीकर्स होते हैं, लेकिन हम बचपन से जॉगर ही कह रहे हैं या फ्लीट बूट कहते आ रहे हैं, वो फ्लीट बूट और जॉगर ऐसा कोई गले पड़ गए। कूड़ा करता था कॉलेज में, मुझे याद है जो लड़की जॉगर जो फ्लीट पहन के जाती थी उसका सारी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती थी। हम लोग अपने जो भी होते थे कनेड में शलवार कमीज आपने पहननी होती थी, वेट दुपट्टा, आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं था बट वेट दुपट्टा शलवार कमीज, उसके साथ जो लड़कियां जॉगर पहन के आते थे कहते ओ ये तो स्पोर्ट्स वाली लड़की। हां एग्जैक्टली, ब्लैक शूज होते थे। हां वो बेचारा एक लड़का फंसा हुआ, बहुत सी खवातीन में मैं चाहती हूं वो भी बोल ले। हां जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जैसे आपने कंफर्ट जोन की बात की है ना, मेंस बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेफर करते हैं अपने कंफर्ट जोन को, उनको सम टाइम ये भी होता है कि नहीं फर्क पड़ रहा जो भी क्या कह रहा है। नहीं बट दूसरी बात, एक बात तो बेटे देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करो, बंदे अकलमंद है इस मामले में, उन्होंने 4 घंटे 5 घंटे नहीं अनकंफर्टेबल होना, क्योंकि उसको पता है कि उसने जाना है और ने दुलंदे लहंगे नु भी चुकना है पिछों के वो गिर ना रहा हो, उसने बीवी को भी अपनी सामने है वहां पे 50 जगह जाके खड़े हो के तस्वीरें भी खिंचानी है, दुल्हन पे फिर भी बंदा थोड़ा सा लिहाज कर लेता है कि नहीं नहीं बच्ची है रहने दो, वो किस तरह उठ नीचे आएगी तस्वीर खिंचाने। जो बड़े या बुजुर्ग होते हैं जो उठ नहीं सकते आ नहीं सकते उनके पास भी जा जाके फोटो खिंचानी, बिल्कुल ऐसे ही। तो लड़का तो अकलमंद होता है, लड़की इतनी बड़ी एड़ी पहन लेती है, इतनी बड़ी एड़ी, और कभी ऐथे डिग रही होती है तो कभी ओथे डिग रही, और मुझे इतना फनी तो नहीं, मुझे तरस आ रहा होता है। अब दुल्हन है वो चलती हुई आ रही है और वो कैसे चलती हुई आ रही है, वो ऐसे चलती हुई आ रही है, ऐसे बेचारी आ रही है क्योंकि वो कभी इस तरफ गिरी है कभी, और साहब मेरा इतना दिल खराब होता है कि इस बच्ची का ये देखो ना, सबसे बड़ा दिन एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन होता है, ये लड़कियां प्लानिंग कर रही होती है ना कि ये करना है वो करना है, और ये तो गोरा हो वेस्ट हो ईस्ट हो हर जगह की एक बात है, बिल्कुल सबके सब जो है ना वो वेट कर रहे होते हैं कि वन डे आई विल गेट मैरिड, और वो उसकी एक एक पूरी तस्वीर आपके दिमाग में होती है। अब बेचारी बच्ची ने एंट्री देनी है और एंट्री में कभी इथे डिग रही है कभी उथे, इसीलिए तो जॉगरों में बात आई है। और तुम्हें पता है इतना बर्डन बेचारी को फील करना पड़ता है अक्सर वलीमे की दुल्हन, मैंने सुना है बेहोश हो गई क्योंकि उसने बारात का भी इतना स्ट्रेस लिया और वलीमे का भी, ज़्यादा हैवी कपड़े हील्स और उसके साथ आपको जब मेकअप होता है तो अच्छा मेकअप हील्स का एक हाल निकाले। ये मैं व्यूअर्स आपको दिखाना चाहूंगी, कोल्हापुरी चप्पल जो मैंने पहनी हुई, वेरी स्टाइलिश, ये मैंने आपको व्यूअर्स दिखानी है एक चीज। मैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मैं मॉर्निंग शो के अंदर ना पहनती थी पेंसिल हील स्टिलेटो। अब स्टिलेटो का मसला ये है कि व्यूअर्स जिस बंदे ने भागना दौड़ना है उसको अगर एक पेंसिल की इतनी सी पतली सपोर्ट मिल रही है, जूता चाहे कितना भी महंगा कितना भी अच्छा हो,
मैं इधर उधर डिग पड़ रही होती थी, आपकी खुद की भी तहस नहस हो जाती है। हाँ जी, सो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला कि कोल्हापुरी के नीचे अगर आपके ब्लॉक हील लग जाए तो आपका मसला हल हो जाएगा। कस्टमाइज है नहीं, ये एक ब्रांड है कोल्हापुर, वो बनाते हैं और मैं कराची की ब्रांड है मेरी दोस्त नेहा, भाई मैंने एक उससे जूती ली, मेरे पास अब हर रंग में ये जूती जबरदस्त। अक्सर लोग कहते हैं और जूते नहीं, मैं कहती हूँ नहीं मेरे पास। और पता है मजे की बात है कि आपको बड़ी कॉमन नहीं मिल रही ये वाली कोल्हापुरी, और यार ये इसने मेरी जिंदगी आसान कर दी है, इसमें हाफ ब्लॉक भी है और फुल ब्लॉक भी है। इसका लिंक मुझे भेज देना, मैं आपको फौरन भेज दूंगी। मैम यही तो बात है, देखो खवातीन भी जिंदगी आसानी से जी सकती हैं, कौन सी लड़की है जो अगर इस तरह की जूती पहनेगी तो उसके पांव अच्छे नहीं लगेंगे। अब तो दुल्हनें भी पहन सकती हैं ब्लॉक हील्स। ओ भाई ये पहन के मैं गारंटी देती हूँ पूरा आपकी निकाह और आपका आपके वलीमा जो है सुकून से गुजरेगा बरात। चलो जबरदस्त है, ये मेहंदी में आइडिया मिल गया। ओहो मेरी नीस की शादी थी, मैंने ऑल थ्रू ये ब्लॉक हील पहनी, ज्यादा ऊंची वाली नहीं, इसकी हाफ साइज की जो है, जिंदगी आसान हो गई। बट यही तो चीज है ना, फ्यू इंपॉर्टेंट चीजें आपकी अलमारी में हो। अब हर जगह हारून्स वाला सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं जा सकते आपके, आप जाएं और आपको हर चीज मिल जाए। अब आपके पास बंदा आएगा उसको कपड़े मिल जाएंगे, उसको वो पोटली मिल जाएगी साथ जो होती है कैरी करने वाली, बालों की एक्सेसरीज मिल जाएगी, चले वो जूते ले आया आप उनको एम्बेलिश भी कर देंगे जी, बिल्कुल। लेकिन वही बात है व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छे क्लच ले ले, क्योंकि देखें ब्राइड तो पहन लेती है वो बैग पोटली जैसी, लेकिन अगर पूरा खानदान पोटली लेके घूम रहा होता है तो लगता है कि अच्छा जी पर्स खरीदने के पैसे नहीं थे तो इसलिए पोटलियां बनवा ली साथ में। सो एक गोल्ड एक सिल्वर अच्छा सा क्लच हो, लड़के भी अगर अपने पास अच्छे फॉर्मल ब्लैक एंड ब्राउन शूज रख ले, लड़कियां भी एक अच्छी पेयर ऑफ ब्लैक ब्राउन व्हाइट बेज ये तीन कलर्स चार कलर के जूते हो, आपकी जिंदगी इजी हो जाती है। कैजुअल में भी रख लें और उसमें भी रख लें, रंग बिरंगे जूते फिर खरीदते रहे जब भी दिल चाहे। देखें आप अग्री करेंगे भैया कि जिस तरह हम जूतों की बात करें, ज्वेलरी भी अगर कंफर्टेबल ना हो, हाँ जी जी जब तो बड़ा तंग, हाँ जितनी मर्जी एक्सपेंसिव ले लें जब तक आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होना फिर फायदा ही नहीं आपका। वो जमाना चला गया व्यूअर जहाँ पे दुल्हन सिर्फ एक जगह बुत बन के बैठ जाती थी और आपने उसको लाद दिया कपड़ों के साथ भी ज्वेलरी के साथ भी अनकंफर्टेबल शूज के साथ भी, ना दुल्हन इस तरह रेडी होना चाहती है ना दूल्हा। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, और देखें स्पेशली अगर आप ज्वेलरी आर्टिफिशियल बनवा रहे हैं, इवन जब गोल्ड की बनवा रहे हैं तो इतना हैवी ना बनवाएं लोगों को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग क्या करते हैं कि ज्वेलरी का वेट ज्यादा करवा देते हैं कि भाई बूंदे तो भारी होने चाहिए, आप फैलावा ज्यादा बना दें लेकिन उसको भारी ज्यादा बनाएंगे तो बच्ची के कान कट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये भी ख्याल करना चाहिए, ज्वेलरी कंफर्टेबल होनी चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, उसके साथ एक्सेसरीज कंफर्टेबल होनी चाहिए। अच्छा ये जूतों के बड़े ब्रांड्स का मैंने देखा है कि उन लोगों ने बड़ा एक मजे का काम किया, जिससे ये ज्वेलरी के इयररिंग्स होते हैं और इसकी एक्सेसरीज होती है वो पेस्ट कर देते हैं शूज के ऊपर, वो बड़ा जबरदस्त सा उसका डिजाइन बन जाता है। बकस तैयार हो गया। तो देखो ना ये सारी चीजें ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हैं, आप चाहे शूज पे कर लें। अच्छा मेंस अगर आप कोऑर्डिनेट कर लेना व्यूअर सबको, बिल्कुल अगर जो फीमेल के कपड़े डिजाइन कर रही है उसकी मेल डिजाइनर के साथ इतनी कोऑर्डिनेशन है कि वो आपस में कलर्स एंड स्वॉचेस कर लेते हैं तो मेल फीमेल की एक कॉम्बिनेशन अच्छी बन जाती है। उसके साथ अगर आप अच्छी चीजें कर लेते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर को भी बता देते हैं कि जी दुल्हन की ये सारी लुक है, तो बेशक मर्द के लिपेल इधर साइड के ऊपर पॉकेट के ऊपर अगर कोई ब्रोच लगाना है या उनका जो पगड़ी या पग कुल्ला जो बनना है उसके ऊपर सेंटर में लगाना है तो वो भी फिर डिजाइनर उसको साथ में कंबाइन कर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली वही वाली बात होती है व्यूअर्स, अगर सब इंटरकनेक्टेड हो, जिस तरह व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना लिए जाते हैं उससे बहुत ईजी हो जाती है सिचुएशन और हर चीज जो है फिर परफेक्टली सिंक हो जाती है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल लुक सारे सबकी और ऑफकोर्स हमारी जो प्यारी सी ब्राइड तैयार हुई है उनकी भी फाइनल लुक दिखानी है, उसको भी डिस्कस करना है। एश रैपिंग के अंदर पड़ी कैसे ये भी हमने डिस्कस करना है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं अपने प्रोग्राम के जहां पे हमें अपने शो को कंक्लूड करना है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी एश से, जिनकी आवाज तो बहुत खूबसूरत है लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है ऐश के लोग रैप की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सिंगिंग का शौक होता है लेकिन गा नहीं सकते, इस वजह से रैप की तरफ आते हैं। तो आपकी तो माशाल्लाह वैसे ही आवाज़ बड़ी खूबसूरत है जी, तो हाउ कम रैप पॉप की तरफ क्यों नहीं आई? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रैप कर रहा है तो वो सिंगिंग नहीं कर सकता, जो रैपर है वो सिंगिंग भी कर सकता है और सिंगर रैपर भी बन सकता है और अच्छा सिंगर ही मेरे ख्याल से अच्छी रैप कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव टैलेंट,
सो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नो, बिकॉज मुझे बड़ा शौक था कि मैं आपको बुलाऊं और सुनूं ऑन एयर, क्योंकि होता ये है कि व्यूअर्स बड़ी दफ़ा ना यंग बच्चों जिनको सिंगिंग का शौक होता है, आवाज़ अगर नहीं है, सुरताल का नहीं बैलेंस आता, सीखने के बाद भी नहीं कर पाए, तो वो रैप की तरफ आ जाते हैं. हमारे शो पे भी ऐसे हुआ है कि बड़ी दफ़ा हमने इस तरह सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स किए हैं और यंग लोग आए हैं शो पे और जब उनसे सिंगिंग करवाने की कोशिश की लाइव, तो समझ नहीं कर पाए. और शादियों में बड़ा ट्रेंड आ गया अब सिंगिंग का. बड़ा ट्रेंड आ गया. पहले मैं इवेंट्स करती थी तो लोग कहते थे कव्वाल आए और इस तरह सूफी कोई हो जाए, बट अब लोग कहते हैं यंगस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए. और ये जिस तरह इसने अभी इतनी रौनक लगा दी, एनर्जी माशाल्लाह इसकी, तो मुझे लगता है जो यंग सिंगर्स है ना उनकी एनर्जी भी बड़ी मजे की होती है. और बात ये है कि व्यूअर्स, जिन लोगों को म्यूजिकल इवनिंग या मेहंदी पे शौक है इस तरह का करने का, डेफिनेटली मैं कहूंगी कि यंग सिंगर्स को भी चांस दें, उनको भी आगे आने का मौका दें. फिर जब आप कव्वाल देखते हैं या गजल नाइट देखते हैं, तो जो नोन आर्टिस्ट हैं उनके तो मिलियंस में चार्जेस हैं. सो अगर आप यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक रौनक और एक माहौल भी अच्छा बन जाता है, वो जोश और हो जाता है. अब हम लुक की तरफ चलते हैं, फाइनल लुक की तरफ आ गया कि आ जाओ बेटा, लुकिंग वेरी वेरी नाइस, माशाल्लाह लुकिंग ब्यूटीफुल. अब देखिए ना, ऐसे मुझे तो इस किस्म की ट्रेडिशनल, मतलब कहते हैं ना प्यारी एलिगेंट लुक ज़्यादा पसंद है. सबसे पहले मेकअप की आके बात कर लेते हैं मैम, उसके बाद हम वार्डरोब की तरफ जाएंगे. जी, इनकी मेकअप लुक थोड़ा सा डिफाइन करें. हाँ जी बिल्कुल, ये जो आजकल ग्लास लुक या कह देंगे नो मेकअप लुक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशन हमने रखा है कि पाकिस्तानी ब्राइड में थोड़ा सा उनके फीचर के हिसाब से भी हम लोगों ने देखना होता है. इनकी आँख थोड़ी लंबी थी लेकिन ब्रॉड नहीं थी, तो जब लाइट मेकअप किया तो ज़रा मुझे दबी हुई महसूस हो रही थी, तो मैं ब्रॉड कर थोड़ा सा खोला है. हाँ जी, ताकि उनका इवेंट है खूबसूरत लगे, क्योंकि इन पर जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं फिर सारी उम्र वो साथ रहनी होती हैं. बिल्कुल. और आप ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? ज्वेलरी आप चेक करें, हर तरह से मैच हो रही है. मैच भी हो रही है और बड़ी ही खूबसूरत. ये भी कुंदन की लुक. हाँ, ये कुंदन की है. ये कुंदन है. अब देखें ना व्यूअर्स, पहने हुए कोई कह सकता है कि इट्स नॉट अ रियल कुंदन का सेट? कोई भी नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि इसको बनाया इतनी खूबसूरती से गया है और इसको इस तरीके से पहनाया गया है. देखिए, लुक पे बहुत मैटर करता है, लुक पे बहुत मैटर करता है कि आपने फाइनल लुक क्या बयान करनी है. अब यही वाला अगर आप आउटफिट एक सिर्फ इयररिंग्स के साथ पहन लेते हैं, जस्ट इयररिंग्स आप पहन लेते हैं, ये नहीं पहनते और गले का नहीं पहनते, तो आप नॉर्मल भी इवेंट खुद जाके अटेंड करें एज अ गेस्ट, तो आप बहुत अच्छे लगे. और वैसे भी आजकल जिस तरह मेकअप बहुत लाइट चल रहे हैं ना, तो इतनी ज्वेलरी होनी चाहिए, इतनी तो होनी अच्छी चाहिए, लगती है, खूबसूरत लगता है. ब्राइड को ब्राइड ही लगना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि घर में जो गेस्ट आए हैं उनसे भी बिल्कुल लो हो जाए. सो द पॉइंट इज, अगर मेकअप आप लाइट की तरफ जा रहे हैं तो फिर अच्छा. इनका जो आउटफिट है इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहोगे? जी, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब ग्रीन आपने डाला लेकिन कलर आपने फिर ये बड़ा खूबसूरत सा मेटालिक पिंक सा कलर दे दिया, पिंकिश ऑरेंज. जी बिल्कुल, इसको जरा मिसूरी में इसको वो किया शर्ट इसकी, और स्लीव्स पे इसके आप देखें कि इसके स्लीव्स पे हैवी रखा है, और फ्रंट पे जो वो ट्रेडिशनल जैसे चलता है कि नेक लाइन पे ही काम है, हम साथ लेके आए हैं फिटिंग के साथ साथ. अच्छा, और यही टॉप जो है आप साड़ी की तरह भी पहन सकते हैं इसके साथ. अगर आप प्लेन शिफॉन की साड़ी बनवा लेते हैं इस कलर के अंदर या पिंक के अंदर, तो बहुत और बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगी. बिल्कुल, ये आउटफिट मुख्तलिफ हो जाएगा, वो आउटफिट मुख्तलिफ हो जाएगा, कॉमन इसके अंदर ये टॉप हो जाएगा, जो साड़ी के ब्लाउज की तरह भी पहना जा सकता है. राइट, लुक्स ब्यूटीफुल, माशाल्लाह यू लुक लवली. आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज हमें ज्वाइन करने का और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी. आते ही मैम आप इस तरफ आ जाएं, अब हम फाइनल वॉक की तरफ जाएंगे. मेल मॉडल्स हमारे प्लीज़ पीछे खड़े हो जाएंगे, बल्कि मेल मॉडल्स यहाँ खड़े हो जाएँ, फीमेल्स यहाँ खड़ी हो जाएँ, ताकि सबकी लुक भी हम देख लें और फाइनल लुक राबिया की देखते हुए आज के शो को कंक्लूड करेंगे. आप सबका शुक्रिया आपके टाइम का, एंड फॉर कमिंग एंड फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. ऐश थैंक यू, इट वॉज लवली मीटिंग यू. और हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे फाइनल वॉक के साथ, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल एक नई लुक के साथ, बराक के लुक के साथ. जी, ओवर टू यू बेटा.